हेलो गाइज, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग बात करने वाले स्टेडा टिगोर के बारे में, जो अपने सेगमेंट की बेहतरीन से 4-स्टार रेटेड सेफेस्ट सेडान। एंड ये आप देख रहे हैं टिगोर का टॉप मॉडल एक्जेट प्लस सीएनजी। तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे। टॉप मॉडल, तो भाई फ्रंट प्रोफाइल काफी सही से लग रही देखने में, क्रोम इंसर्ट में पूरी इसकी ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इंफोटेनमेंट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कीलेस एंट्री, डीआरएस जैसे काफी तरह के फीचर देखने को मिल जाते हैं इस कार के साथ। प्राइस रेंज की बात कर ले तो 6,19,000 से एक्सोरूम स्टार्ट हो जाएगी। टॉप मॉडल में जाता है 9 लाख प्लस तक ऑन रोड लखनऊ। एंड इंजन स्पेक में आपको इसमें पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन दिया जाता है। पेट्रोल में बढ़िया ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आएगा, सीएनजी में सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन देखने को मिलता है इस कार में। बाकी वेरिएंट्स की बात करें तो आपको इसमें 4 वेरिएंट्स मिलते हैं इसका बेस एक्सी, एक्सएम, एक्जेड एंड टॉप मॉडल एक्जेड प्लस। जब आप इसको सीएनजी वेरिएंट्स में लेंगे तो वहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट को छोड़कर अपर के तीनों वेरिएंट्स में आपको सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कलर ऑप्शन है आपका ब्लू देख रहे हैं, ब्लू के अलावा उसमें व्हाइट, रेड, सिल्वर, ग्रे जैसे और 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सेडान कार के साथ। तो आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। ग्रिल में देखेंगे बढ़िया से दिएगा टाटा का लोगो, टायर डिजाइन में क्रोम इंसर्ट में इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल। देन हेडलैम्प्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलते हैं बड़े सा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर, हाई बीम के लिए हैलोजन, साइड में इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। नीचे आएंगे तो यहाँ पे फॉग लैम्प्स और यहाँ पे साइड में देखेंगे डीआरएल डेटाइम रनिंग लाइट्स। एंड इसी के ऊपर यहाँ पे ट्विंगो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसके फ्रंट बंपर में। और नीचे देखेंगे तो लोअर ग्रिल में बड़े सा क्रोम इंसर्ट दिया जाएगा, जो काफी प्यारा सा लग रहा है। एंड नीचे का इस तरह पूरा रहता है फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला 170 मिलीमीटर का। तो सेडान कार के हिसाब से काफी अच्छा आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है इस कार के साथ। ऊपर आएंगे यहाँ पे डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। सीएनजी वेरिएंट है तो यहाँ पे देखेंगे सीएनजी का स्टिकर, प्लेन रूफ, डुअल टोन का ऑप्शन लेना चाहे तो वो भी रहेगा बढ़िया सा इस कार के साथ। बाकी साइड प्रोफाइल भी काफी प्यारी सी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया जा रहा क्रोम इंसर्ट, जिसको लुक को और ज्यादा इनहेंस कर दे रहा है। एंड अगर आप इसका एग्जेट प्लस पेट्रोल लाइन के साथ जाते हैं ना, तो आपको कुछ फीचर ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीएनजी वेरिएंट्स में क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके ये लुक लाइक से अलॉय हाइपर स्टाइल स्टीलिंग, ये आपको मिले 14 इंचेस के। पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको मिलेंगे 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स। बाकी आगे डिस्क ब्रेक्स रहते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स। टायर प्रोफाइल की अगर बात कर ले तो 175/65 और 14 इंचेस के यहाँ पर रहने वाले हैं। एंड इतना कुछ यहाँ पर ट्रैवल। और यहाँ पे देखेंगे इसका ये आउटसाइड मिरर जो रहेगा ऑटो फोल्डेबल, बड़े से ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया, इसी में इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, तो जब भी गाड़ी को लॉक ऑन करेंगे तो फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा। ये पिलर यहाँ पे सेम बॉडी कलर, डोर हैंडल चारों को मिलते हैं बड़े से क्रोम फिनिश में। यहाँ पे क्रोम बेडिंग जो काफी प्यारी सी लग रही है। साइड में यहाँ पे देखेंगे तो फिल फिलर कैप, 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जहाँ से आप इसमें पेट्रोल फिल कराएंगे। बगल में सीएनजी वाला नाजुल, सीएनजी आपकी डिपेंड करते हैं सीएनजी पंप के प्रेशर पे, वैसे खाली होगा तो 8 से 9 kg के समथिंग आ जाएगी इसमें गैस। साइड से कुछ इस तरह दिखती है, व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगा 2400 मिलीमीटर का। तो देखने में तो भाई काफ़ी प्यारी सी लग रही है। एंड अभी बात करें अगर इस कार की वारंटी के बारे में, तो आपको इसमें 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड की जाती है टाटा की तरफ से, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल के लिए भी आगे भी। एंड डायमेंशन की बात करें तो भी काफ़ी सही से रहती है, 3993 मिलीमीटर की लेंथ, 1677 mm के विथ एंड 1532 mm की हाइट मिल जाती है इस कार के साथ। अभी देख रहे हैं ना, जब भाई यहाँ पर इसकी बैकलाइट्स वगैरह ऑन हो जा रही है तो कितनी प्यारी सी लग रही है ये हमारी 4-स्टार रेटेड सेडान कार। बाकी ब्लू कलर, व्हाइट कलर, 2 कलर भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं इस कार में। तो इस तरह कुछ प्रॉपर आपको दिखती है पीछे से। जब आप देखेंगे सेंटर में आएंगे ना, तो यहाँ पर आएगा टाटा का लोगो। एंड यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट, एक स्लाइड यहाँ पर पूरी आपको क्रोम की मिलती है चौड़ी सी। यहाँ पर इसकी LED बैकलाइट्स, व्हाइट कलर की इसकी पूरी बैकलाइट रहती है। यहाँ पे ICNG की बैजिंग, भाई ICNG जो आपको इसमें टेक्नोलॉजी मिली ना, वो काफ़ी सही से आप डायरेक्ट CNG में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टिगोर की बैजिंग, यहाँ पे जाएंगे तो रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह दोनों साइड आपको देखने को मिलते हैं। एंड भाई यहाँ पे कोई भी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे स्टॉप मॉडल के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो एक क्रोम स्लाइड, नीचे का इस तरह पूरा रहता है इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, इधर इसकी एग्जॉस्ट पाइप। तो ये थे इसकी बैक प्रोफाइल। ऊपर आते हैं यहाँ पे देखते क्या दिया गया है। तो यहाँ पे रहेगा डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे बड़े सा शैफ्रन डिना, और यहाँ पे रहेगा वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, उसी के नीचे यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर, क्योंकि भाई सीएनजी गाड़ी में आगे पीछे दोनों तरफ आपको स्टिकर मिलता है। तो बूट स्पेस की तरफ चलने से पहले इसकी देखिए स्मार्ट की इस तरह कुछ यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे लॉक अनलॉक बोर्ड पर फॉलो मिलेम के बटन, पीछे भी टाटा का लोगो, तो दोनों ही बढ़िया से आपको स्मार्ट की मिलती है इस कार के साथ। तो भाई चलते इसके बूट स्पेस की तरफ, खोलते हैं इसको। तो वैसे तो आपको इसमें मिलता है 419 लीटर का बूट स्पेस, बट यहाँ पे जब टैंक लग जाता है ना, तो भाई आपको इसमें बचा बचेगा 205 लीटर का। तो भाई टैंक की वजह से देखा जाए आधा स्पेस चला जा रहा है, लेकिन तब भी आपके यहाँ पे 3-4 जोड़े आराम से आ जाएंगे। देख रहे ना, इतना कुछ आपको स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऊपर देखते हैं यहाँ पे बूट लाइट वगैरह भी दी गई है। तो भाई टैंक लगे होने के बाद भी ना, आपको इतना स्पेस मिल जाएगी कि आराम से 2-3 लोगों का सामान यहाँ पे आ जाएगा। स्पेयर व्हील यहाँ पे देख सकते हैं, स्टीलिंग रहेगा, टूल किट, जैक पाना वगैरह सभी कुछ नीचे की तरफ आपको रखा हुआ दिख जाता है इस कार में। ऊपर ये चीज़ भाई यहाँ पे खुला छोड़ देते हैं, काफ़ी और सी लगती है देखने में। इसमें इसको अगर कवर कर दे तो और अच्छा सा हो जाए पूरा इसका बूट गेट।
एंड यहाँ पे एक और इसमें आपको प्लस पॉइंट मिलता है जिसके हाइड्रोलिक्स है ना साइड में दिए गए, इसलिए भाई लगता नहीं, आप कितना भी सामान भर दीजिए गेट बंद करेंगे तो आराम से बंद हो जाता है। और जो इस सेगमेंट की दूसरी कार से ना उसमें भाई बीच में अटक जाता है, तो ये इसमें आपको बढ़िया चीज़ मिल जाती है। तो साइड प्रोफाइल आपने अब इसकी देख ली, प्रॉपर बैक प्रोफाइल भी, बाकी इसके अगर रेवल्स की बात कर ले जो इसकी कॉम्पिटिशन होता है ना सीधे फिंडी और मारुति डिजायर जिसकी कार से होता है जिनमें आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन भाई ये बिल्ड क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। हालांकि फीचर्स आपको 21 मिल जाएंगे उन कार्स में, बट इसका सबसे प्लस पॉइंट होता है बिल्ड क्वालिटी की। इसी सेगमेंट की दूसरी कार जो होंडा मेज है उसमें आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी, बट आपको उसमें भाई सीएनजी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बाकी अभी चलते कार के अंदर, वहाँ पर देखते क्या कुछ दिया गया है। हालांकि अंदर एकदम यहाँ पर अगर चेंजेस हो जाए तो एकदम गजब की बन जाए ये हमारी कार। हैंडल्स में देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर बढ़िया से दी गई, केलेस एंट्री और डोल ट्रिम यहाँ पे पूरी रहती डुअल टोन में। यहाँ पे चारों पाउंड के कंट्रोल्स, ऊपर क्रोम फिनिश में इसका डोर ओपनर, यहाँ पे ORBM एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स, नीचे वही स्पीकर्स एंड यहाँ पे बॉटलर का स्पेस मिल जाता है कि डोर्स में। और यहाँ पे डैशबोर्ड रहता है इस कार का पूरा डुअल टोन में ही। एंड सीट्स की बात की जाए तो ये रहती फैब्रिक की, यहाँ पे टायर डिजाइन का पैटर्न, हाइट एडजस्टेबल, सीट रिक्लाइन दोनों आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इसका एग्जेट प्लस LP में जाते हैं तो आपको लेदर की बड़े सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन के पैडल्स, यहाँ पे इसका फ्लूइड ओपनर, आगे का बोनेट खोलने का लीवर। तो अभी आइए चलते हैं कार के अंदर, वहाँ पे बैठ के देखते हैं क्या कुछ रहेगा इसके डैशबोर्ड में। तो बैठने के बाद सबसे पहले हम सीट को यहाँ पे करते हैं एडजस्ट। साइड में पे देगा इसका पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, फुल्ली डिजिटल यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफी सारे इसमें चेकलाइट्स वगैरह भी देख सकते हैं। और ये रहा इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू। तो सबसे पहले क्लस्टर से ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इधर RPM मीटर रहता है, इधर यहाँ पे CNG वाले सारे बार्स, नीचे पेट्रोल वाले बार्स, बाकी बीच में मेड स्क्रीन जहाँ पे टॉगल से काफी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑडियो मीटर वगैरह, ट्रिप वगैरह, एवरेज माइलेज, रेंज, जो भी देखना है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे TPMS की भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। तो ये था इसका पूरा क्लस्टर। स्टेरिंग में यहाँ पे देखेंगे टाटा का लोगो। देन लेफ्ट साइड में यहाँ पे रहता है इन्फोटेनमेंट टेलीफोनिक वाले सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे भाई क्रूज वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी नॉर्मल से स्टेरिंग कोई टैप वगैरह नहीं रहेगा। LP में जाएंगे तो आपको लेदर स्टेरिंग भी देखने को मिल जाएगी। और ये टिल्ट एडजस्टेबल रहेगी यहाँ पे इसके स्टेयरिंग। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए एंड इसके साथ ऑटोमेटिक यहाँ पे वाइपर्स रहेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स। अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। तो डैशबोर्ड का व्यू यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे हेडलाइट का स्विच, AC वेंट्स बड़े सर ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम इंसर्ट के साथ आपको दिए जा रहे हैं। ऊपर यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं ना, काफ़ी सही से मिलता है, टेम्पल वगैरह जो भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। इंफोटेनमेंट की बात की जाए तो पावर्ड बाय हरमन रहेगा 7 inches का, इस तरह पे काफी सारे क्लॉक्स वगैरह, ये इसकी एप्लीकेशंस। एंड यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB ऑक्स जैसी सारी कुछ कनेक्टिविटी के साथ आता है। चार स्पीकर ट्विटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसके साथ। रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज सी रहने वाली है, तो ये यहाँ पे थोड़ा भी इंप्रूवमेंट हो जाए ना तो और गजब की हो जाएगी हमारी कार, बिकॉज काफ़ी टाइम से भाई सेंटर कंसोल चला आ रहा है। ये इसके देख रहे हैं ना फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो इसका डिस्प्ले आपको यहीं पे मिलेगा इंफोटेनमेंट में। तो जब भी भाई AC वगैरह ऑन करेंगे ना तो टेम्परेचर वगैरह जो भी यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फैन स्पीड वगैरह एंड टेम्परेचर वगैरह, तो ये काफ़ी सही ऑप्शन मिल जाता है इसके इंफोटेनमेंट में। बाकी नीचे तो भाई इसका कोई भी डिस्प्ले रहता नहीं है, तो इसको करते हैं बैक। और इसके बाद जब आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे देखेंगे फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन, CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG कन्वर्टर स्विच, यहाँ पे बोर्ड खोलने का बटन, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पे दिएगा इसका इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, इसका फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB का पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे स्पेस। और ये रहा इसका 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, 2 glass शोल्डर्स, पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, इधर का पूरा डोर पैनल, एक यहाँ पे एयरबैग, दूसरा यहाँ पे 2 airbags आपको मिलते हैं इस कार में जो कि स्टैंडर्ड फीचर है। ग्लव बॉक्स की तरफ आएंगे तो बड़े सा कोड दिया जा रहा है, इसमें टैबलेट होल्डर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इसका एडजस्टेबल IR VM, माइक दिएगा बात बात करने के लिए, यहाँ पे वैनिटी मिरर इसके सनवाइजर में, यहाँ पे भी बड़े सा वैनिटी मिरर एंड यहाँ पे ग्रैप हैंडल। पीछे का इस तरह पूरा व्यू, अभी पीछे चल के आपको दिखाते हैं कितना कुछ स्पेस रहेगा इस कार में। तो फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह देखने में फीचर्स वाइज तो भाई काफ़ी सही सी है अंदर से भी। तो अभी निकलते हैं पीछे वाली सीट के लिए। तो ये वाले पिलर्स रहेंगे यहाँ पे ब्लैक फिनिश में, हैंडल्स आपने देख लिए सारे क्रोम फिनिश में, डोर ट्रिम वही आगे की तरह रहती सेम, यहाँ पे डोर ओपनर क्रोम फिनिश में दिएगा, ट्विटर्स वगैरह, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स, नीचे वही स्पीकर्स बॉटल मिल जाएगा इनकी डोर्स में, सीट्स वही फैब्रिक के टायर डिजाइन में, यहाँ पे सीट बेल्ट्स। और बैठने के बाद इस तरह रहेगा इसका प्रॉपर सेंटर कंसोल का व्यू, जब ऑन हो जाता है तो और प्यार से लगेगा। यहाँ पर जाएंगे तो कोई भी आपको रियर एसीवेंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पे दिया जाएगा आपको बॉटल होल्डर, यहाँ पे लेग रूम, नी रूम वगैरह सेडान कार के हिसाब से आपको सही से मिल जाएगा। इधर का पे डोर पैनल, ग्रैप हैंडल, पीछे का इस तरह व्यू, यहाँ पे देखेंगे भाई साहब आपको फिक्स यहाँ पे सब मिल रहा है, हेडरेस्ट वगैरह, आर्मरेस्ट आपको दिया जा रहा है, तो इसमें देखते हैं ग्लास होल्डर्स है कि नहीं, तो भाई ग्लास होल्डर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये देख रहे हैं ऊपर तो यहाँ पर रूफलाइट वे रहती है व्हाइट वाली, तो ये काफ़ी प्यारी से आपको मिलेगी, केबिन में फील देगी। बाकी रियर AC वेंट्स एंड ये इसके फिक्स हेडरेस्ट, दो चीज़ें अपडेट हो जाएं तो और ही गजब की बन जाएगी हमारी कार। तो ये था इसके अंदर का पूरा केबिन स्पेस वगैरह। तो भाई कुछ चीज़ों से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्ड क्वालिटी तो मिल ही रही है, यहाँ पे चाइल्ड लॉक्स वगैरह भी देख सकते हैं इसकी डोर्स में।
और अभी बात करें अगर इसके इंजन स्पेक के बारे में, तो ये आप इसका देख रहे हैं 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 86 bhp की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग वही 20 से 22 kmpl का माइलेज। जब आप इसको CNG में कन्वर्ट करके चलाते हैं तो आपको पावर थोड़ी कम मिलेगी, उसमें आपको 73 bhp की पावर एंड 96 Nm का टॉर्क, समथिंग वही 26 का माइलेज देखने को मिल जाता है इस कार के साथ। प्राइसिंग की बात कर ले अगर इसके एग्जेट प्लस CNG वेरियंट की, तो आपको पड़ने वाला है 869,000 ex-showroom एंड 985,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। बाकी अगर आप इसका लेते हैं पेट्रोल रेंट एग्जिट प्लस, तो आपको 100,000 कम हो जाएगा, पड़ेगा आपको 884,000 का ऑन रोड। सेफ्टी फीचर्स में आपको ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड रडार सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, यहाँ पर कफ्सर फीचर देखने को मिल जाते हैं इस कार के साथ। तो ये था इसका हमारा वीडियो, अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।